कल साड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की मीटिंग सी। उहदे विच परिवार वालों ते नगर की संगत वालों ये लिखती रूप दे विच एक सुझाव गया सी कि सिद्धू साहब दे अंतम अरदास दे समय दे विच कुछ प्रबंधां दी लोड़ है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो प्रबंध करन दी कृपालता करी। उहदे विच श्रोमणी कमेटी ने कल सर्वसम्मति नाल फैसला कर दिता सी भी जिहो जिहे प्रबंध परिवार चाहुंदा है उहो जिहे प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर देवेगी। लंगर लाउण दी लोड़ पई, लंगर दा प्रबंध भी श्रोमणी कमेटी करेगी, पर उहनां दे सन्मानयोग पिता जी ने कहा भी लंगर दे उत्ते जिन्ना भी रशद जिहड़ा है वो असी परिवार वालों देवांगे। सानू मेन पावर दी जरूरत है महाराज दे प्रकाश करन लई, कड़ा प्रसाद दी देख बरताउण लई, लंगर बरताउण लई, लंगर पकाउण लई, इन्हां चीज़ां दी लोड़ हैगी है। रशद असी परिवार वालों दे देवांगे, वो देन ना देन गल वक्खरी है क्योंकि बड़ी वड्डी सट लगी हुई है। परिवार दे विच दोए जी ने मतलब जिहड़े बाकी रह गए उन्हां दी माता जी ते उन्हां दे पिता जी, एडे वड्डे प्रबंध नूं सांभणा ये बहुत मुश्किल है परिवार लई। सिद्धू ने भावें उह इक गीतकार सी लेकिन जिवें उन्हें दस्तार सजा के दाढ़ी के सिखी सरूप रख के अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते सिखी नूं प्रमोट कीता है, दस्तार नूं प्रमोट कीता है, सिखां दी अडरी आजाद ते न्यारी हस्ती नूं प्रमोट कीता है। इहदे लई मैं समझदा भी सिख्या ज लैण दी जिहड़े बाकी गीतकार ने उहनां नूं भी सिख्या लैण दी जरूरत है। इस लई उहदा विछोड़ा उहदा घाटा पूरे पंजाब नूं पूरे खालसा पंथ नूं है जिहड़ा ना पूरा होण वाला घाटा है। मैं तुहाडे जरिए एक गल कहनी चाहुंदा, मैं पंज पोस्टां लिख चुकिया, शायद तुहाडे चों किसे ने पढ़िया होण, जिहड़े वीरां ने हथियार चुक के गैंगस्टर बने हुए ने, मैं उहनां नूं सवाल करना चाहुंदा भी उह किहड़ा धर्म युद्ध लड़ रहे ने, उह किहड़ी पंजाब दी पंथ दी जंग लड़ रहे ने जिहदे विच।